नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में, यानी कि हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सपीडिशन को, हाँ अभियानों को। और अभियानों में देखिए हम बात करेंगे आज उत्तर भारत की के अभियानों की। बेसिकली इसने उत्तर भारत में भी अभियान किए, ठीक है, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा नॉर्थ इंडिया पे आधारित होगा। हम नॉर्थ इंडिया के इसके अभियानों को देखेंगे, उत्तर भारत का अभियान, साउथ इंडिया का यानी दक्षिण भारत के अभियानों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये मैं बता दूं कि दक्षिण भारत का अभियान करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, ठीक है, जिसने दक्षिण भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक या दिल्ली का वो पहला शासक जिसने दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया या दक्षिण भारत की तरफ या विंध्य के पार हो गया। विंध्य क्षेत्र है, ये विंध्य क्षेत्र है, इसके पार गया यानी दक्षिण भारत में गया, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं और कई वीडियो हमने कर लिया है अब तक। हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है और दूसरा शासक है जिसने अपने चाचा अलाउद्दीन फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके, इसका चाचा था और इसका ससुर भी था, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी उसकी ये हत्या कर देगा और ये गद्दी हथिया लेगा दिल्ली का। तो खिलजी वंश का ये दूसरा शासक और सबसे महत्वपूर्ण शासक, शासनकाल 1296 से 1316 एडी तक इसका शासनकाल रहेगा। वैसे पूरा अगर देखा जाए तो इसका संस्थापक खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका चाचा और इसका ससुर जिसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठता है, उसने 1290 में गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना की। तो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और ये दूसरा शासक है, ठीक है। हमने अब तक देखा था कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। मोहम्मद गोरी का एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो डियरेस्ट जो स्लेव है, गुलाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, को 1206 एडी में यानी कि 1206 ईस्वी में वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। और दिल्ली सल्तनत में जो स्थापना करता है उस वंश का नाम था, जिस वंश की स्थापना करता है उस वंश का नाम था गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश और दूसरा वंश जो है वो खिलजी वंश है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तीसरा वंश आप देखेंगे तो तुगलक वंश जिसे हम आगे पढ़ेंगे और उसके बाद चौथा वंश सैयद वंश और अंतिम वंश लोधी वंश। तो इन पांच वंशों को हमें दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है। हम दूसरे वंश में हैं और वहां के सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी को देख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम है, देखिए बेसिकली मूल नाम अली गुरशप था, मैंने थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, मैंने हालांकि पढ़ा दिया है फिर भी अली गुरशप इसका मूल नाम था। इसकी कई उपाधियां भी थी क्योंकि इसने विश्व विजय का सपना देखा, तो इसको विश्व का विजेता भी कहा गया, इसको विश्व का सुल्तान भी कहा गया, ठीक है, इसको युग का सुल्तान भी कहा गया। तो ये जो था इसका नाम इसको दिया गया, ये जो उपाधियां थी ये दी गई थी अमीर खुसरो, एक पर्शियन राइटर था, पोएट था बेसिकली, उसने दिया था और उसका संरक्षण भी अलाउद्दीन खिलजी को मिला था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा चूंकि इसने विश्व विजय का सपना देखा तो इसको सिकंदर द्वितीय भी कहा गया या सिकंदर ए सानी भी कहा गया, सब लिखवा चुका हूं। सानी का मतलब होता है दूसरा, सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर, या सिकंदर द्वितीय कह लीजिए या आप कह लीजिए अलेक्जेंडर सेकेंड। सिकंदर को अंग्रेजी में अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, सिकंदर अलेक्जेंडर सेकेंड। तो इसकी जो अली गुरशप मूल नाम, उसके अलावा इसको सिकंदर एसानी कहा जाता है, सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सेकंड कहा जाता है, अलेक्जेंडर सेकंड कहा जाता है। अमीर खुसरो ने इसको उपाधि दी थी, कौन कौन सी, युग का विजेता, युग का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, ठीक है, ये सब उपाधियां अमीर खुसरो द्वारा दी गई थी, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये हमने बता दिया था। हम आज अभियानों को देख रहे हैं लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजों को देखेंगे। देखिए इसकी तुलना लुई 14, LOUIS लिखा जाता है इंग्लिश में, लुई 14 जो कि फ्रांस का शासक था उससे भी किया जाता है, कहीं एग्जाम में पूछते, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है लुई 14 तो बार बार पूछा जाता है। तो लुई 14 और फ्रेडरिक महान जो प्रशिया, जो कि एक प्रशिया जो है ये एक जर्मन स्टेट था, जर्मनी का, यूरोप में जो जर्मनी है उसका एक राज्य है अभी भी है, तो ये प्रशिया का शासक था फ्रेडरिक महान या फ्रेडरिक द ग्रेट। लुई 14 जो था ये फ्रांस का शासक था, तो ये सवाल कई बार आया है एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो हमने पढ़ा था इसका सिद्धांत पढ़ लिया था, राजत्व का, राजत्व का सिद्धांत जो इसका था वो निरंकुशता पे आधारित था, ठीक है, वो कहता था कि जो सुल्तान है वो ना ही राजा की
इच्छा से शासक बनता है, ना ही ईश्वर की कृपा से शासक बनता है, ना ही वो जनता की इच्छा से और ना ही उलीमाओं यानी कि धर्म गुरुओं के सहयोग से, वो शक्ति से, ताकत से, निरंकुशता से शासक बनता है। जब तक उसके पास ताकत और शक्ति यानी पावर रहता है तब तक वो शासक सत्ता में बने रहता है। ठीक है, तो ये राजत्व के सिद्धांत में ये था निरंकुशता। इसने ये भी कहा, इसकी निरंकुशता के सिद्धांत में है कि इसने कहा कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता, यानी किंगशिप नोज नो किनशिप। किसका कहा हुआ है? किंगशिप नोज नो किनशिप कई बार एग्जाम में आता है, पूरा स्टेटमेंट दे देगा, यानी सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। और इसके राजत्व के सिद्धांत में मैं आपको बताऊं, इसने कहा कि धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग है। इसने राजनीति और रिलीजन को बिल्कुल अलग किया। इसने कहा कि जो भी इस्लामिक लॉ है उनके विषय अलग है, ठीक है, और जो भी राजनीति है राजनीतिक विषय अलग है, इसलिए धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। तो राजनीति और धर्म के पृथकीकरण को इसने पृथकीकरण पर इसने जोड़ दिया, इसने अलग कर दिया। ये भी इसके राजत्व के सिद्धांत में था। प्लस सबसे महत्वपूर्ण जिस पर इसके अभियान आधारित है, साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म, यानी इसके अभियानों की प्रेरणा कहां से है, इसके राजत्व के सिद्धांत में छुपा हुआ है, जिसमें एक उसका पहलू साम्राज्यवाद भी है, इंपीरियलिज्म भी है, यानी कि राजा को, सुल्तान को लगातार अपना विस्तार करते रहना चाहिए, क्षेत्रों को जीतते रहना चाहिए। जब तक कोई क्षेत्र, एक भी क्षेत्र, थोड़ा सा भी क्षेत्र, टेरिटरी बचा हुआ है जीतने लायक, तो जब तक उसको जीत ना ले तब तक उसको स्थिर नहीं बैठना चाहिए। अगर विस्तार बंद हो गया उसी दिन से सुल्तान का डाउनफॉल यानी कि पतन शुरू हो गया। तो इसका अभियान जो है वो कहीं ना कहीं इसके राजत्व के सिद्धांत में जो साम्राज्यवाद की बात कही गई है इंपीरियलिज्म की, और इंपीरियलिज्म का मतलब विस्तार होता ही है, तो इसी में निहित है, मैंने बता दिया था। ठीक है, इसने सबसे बड़ी बात ये राजत्व का सिद्धांत बता दिया। अस्थाई सेना रखी, पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसने अस्थाई सेना नहीं, गवर्नमेंट की अपनी सेना, इसके पहले गवर्नमेंट की सेना नहीं होती थी, इक्तेदारों से अलग अलग इक्तेदार जो होते थे उनसे सेना बुलाई जाती थी जरूरत पड़ने पर, ठीक है, मंगाई जाती थी। तो ये अपना राजा का अपना राजा की अपनी सेना, स्टैंडिंग आर्मी जिसको कहते हैं, वो रखने लगा। हाँ, यानी कि जो भी फैसिलिटीज हैं, आर्म्स हैं, अम्यूनिशन हैं, आपको जो घोड़े हैं या दूसरी सुविधाएं हैं सैनिकों को, सब राज्य की तरफ से प्रोवाइड किया जाने लगा। ठीक है, और उनको नगद वेतन दिया जाने लगा। पहली बार इसने नगद वेतन देना, कैश में पेमेंट करना शुरू किया। इसने सेना में दाग और हुलिया चलाया। दाग क्या था भाई? तो दाग जो था, समझ लीजिए, थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं, दाग सेना में घोड़ों के लिए था, मार्क कर दिया गया था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स पे कोई दाग लगा दिया जाएगा, मार्क लगा दिया जाएगा, जिससे ये पहचान हो जाए कि घोड़ा जो है वही घोड़ा, मतलब असली घोड़ा है, क्योंकि मार्क लगा देने से ये पता चलेगा कि जो राजा की सेना है उसी का ये घोड़ा है, कोई घोड़ा बदल ना दे लड़ाई के समय। ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है कि अगर ब्लैक कलर का कोई घोड़ा है तो कोई दूसरा ब्लैक रख दे, कैसे पहचान में आएगा कि वो वही घोड़ा था जो अच्छे नस्ल का जो घोड़ा लोग रखते थे लड़ाइयों में, तो उसको कोई बदल दे कमजोर घोड़े से, कैसे पता चलेगा? तो दाग लगा दिया जाता था पहचान के लिए। उसी तरह से सैनिकों के लिए हुलिया, हुलिया क्या होता था? सैनिकों का पूरा ब्यौरा रखा जाता था, डिटेल, डिस्क्रिप्टिव रोल इसको कहा जाता है, वो पूरा रखा जाता था, जैसे आज का आधार कार्ड है पूरा, भाई आपका डिंडौल कैसा है, हाँ आपका चेहरा कैसा है, बाल कैसा है, लंबाई कितनी है, पूरा उसकी पहचान के लिए। ताकि कई बार क्या होता था पहले कि सैनिकों को भी युद्ध पे जाना है तो जो सैनिक है उसके बदले कोई दूसरा सैनिक ना भेज दे, ठीक है ना, दूसरा सैनिक भी तो भेज सकता है, किसको क्या पता चलेगा इतनी बड़ी सेना में, हजारों हजार लाखों की सेना में क्या पता चलेगा किसको भेज दिया गया। तो सैनिकों का भी ब्यौरा रखा जाता था पहचान के लिए। इसने प्राइस कंट्रोल किया, बहुत महत्वपूर्ण इसका प्राइस कंट्रोल क्या था, मूल्यों को स्थिर कर दिया था, सब वीडियो हम कर चुके हैं। ठीक है, जितने दिन शासन काल इसका रहा 1296 से 1316 तक, कहा जाता है कि जरूरी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो है वो स्थिर रही लगभग, हाँ वो बढ़ी या घटी नहीं। तो ये प्राइस कंट्रोल या मार्केट कंट्रोल जिसको मूल्य नियंत्रण कहा गया, और ये भी इसने सैनिकों की सुविधा के लिए किया था, सारा डिटेल मैं बता चुका हूं। लैंड रिफॉर्म किया इसने, राज की आय बढ़ाने के लिए 50% कर दिया था इसने, लगान जो था, जो टैक्स था लैंड रेवेन्यू, उपज का 50% इसने लैंड रेवेन्यू कर दिया था। तो ये सब चीजें हमने एक बार
जान ली, रिवाइज कर लिया, बाकी डिटेल तो आप देखेंगे पीछे वाले सारे वीडियो में मैंने लिखवाया हुआ है। लुई 14 याद रखिएगा, फ्रेडरिक महान याद रखिएगा, इससे तुलना की जाती है। और ये वाला सवाल बार बार पूछा जाता है, दक्षिण भारत का अभियान चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। आगे जब हम दक्षिण भारत का अभियान पढ़ेंगे तो वहां भी इसकी चर्चा करेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम जो हमारा नॉर्थ इंडिया का अभियान है, उत्तर भारत का अभियान, और उत्तर भारत का अभियान इसने देखिए, इसके अभियान मैंने बता दिया, इसके राजत्व के सिद्धांत नहीं नहीं था, साम्राज्यवाद, यानी विस्तार करना ही करना है, ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान में ही इसने, ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है और ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, यही ये जो है, ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, यही ये जीतेगा, ठीक है। ये लाल वाला मैं बना देता हूं, ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, ये यही दो जगह पे इसने अभियान चलाया मेनली, अगर उत्तर भारत की बात करें तो, ठीक है, ये उत्तर भारत। और ये हो गया आपको, इधर आप देखिए तो इधर ये सारा उत्तर भारत है, ठीक है। ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ब्लू जो है ये गुजरात है और ये जो है राजस्थान है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर बस मोटा मोटी आप समझ लीजिए, रफ आईडिया आपको, राजस्थान और गुजरात, लाल वाला जो है राजस्थान है, ये गुजरात है। तो पहला अभियान ये देखिए गुजरात का 1299 एडी में चलाता है, ठीक है, गुजरात का। इसका नेतृत्व किसने किया था सेना का, तो भेजा गया था उलूक खान और नुसरत खान को, याद रखिएगा, ठीक है, उलूक खान और नुसरत खान को भेज दिया गया था वहां पर, ठीक है। और इस अभियान के रीजन देखिए, रीजन क्या था, विद्रोह भी हुआ था, मैं मुसलमानों का भी बताऊंगा क्यों हुआ था। तो इस गुजरात अभियान का जो रीजन था, कारण जो थे, देखिए एक तो गुजरात जो था, देखिए ये समुद्र के किनारे है और कहा जाता है बहुत फर्टाइल था, उपजाऊ भूमि थी इसकी, हस्तशिल्प और कपड़ा उत्पादन बहुत जबरदस्त था, यानी कि यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, इसलिए गुजरात को जीतना जरूरी था। और कैम्बे या खंभात की खड़ी, देखिए यही कैम्बे है, ये गुजरात, ये कैम्बे खंभात की खड़ी, यहां से ये पश्चिम एशिया, इधर पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ एशिया, इधर से ये व्यापार करते थे, ये वाला जो क्षेत्र हो गया साउथ एशिया का, इधर से ये व्यापार भी करते थे, ठीक है। इसी गुजरात के खंभात और या कैम्बे इसको कहते हैं, इसी क्षेत्र से, ठीक है, तो ये कर लेते थे व्यापार चीन से, यहीं से जाते होंगे, देखिए इधर से पानी के रास्ते से इधर चीन, इधर चाइना जाते होंगे तो चाइना से ये व्यापार कर लेते होंगे ऐसे जाके, देखिए ये चाइना, इधर चाइना पड़ेगा ना, ये पूरा चाइना वाला क्षेत्र होगा इधर, तो ये चाइना पड़ेगा, इसके ऊपर रशिया होगा, तो ये चाइना वाला जो क्षेत्र होगा, तो इधर व्यापार कर लेंगे, ठीक है। तो कैम्बे से इनका व्यापार होता था, देखिए ये बता दिया। तो गुजरात बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था इकोनॉमी के दृष्टि से, नहीं आर्थिक दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, फर्टाइल भी था, हस्तशिल्प अच्छा था यहाँ का, कपड़ा उत्पादन था, कैम्बे से यानी खंभात की खाड़ी से, यहां से देखिए ये लोग पश्चिम एशिया, इधर देखिए पश्चिम एशिया है और दक्षिण पूर्व एशिया इधर वाला, और चीन के साथ, चीन इधर है, देखिए ये चीन वाला क्षेत्र है, इससे ये व्यापार कर लेंगे, ठीक है, ये चीन वाला क्षेत्र है जो है, यहां से ये व्यापार कर लेंगे, ठीक है, इधर से जाके तो समुद्र के रास्ते से, तो इससे व्यापार। फिर घोड़ों की आपूर्ति हो जाती थी, देखिए इनको अच्छे नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति कैसे होती थी, देखिए अरबी घोड़े, इराकी घोड़े, तुर्की घोड़े, देखिए ये अरब का, ये अरबियन पेनिनसुला है, तो यहां से घोड़े मिल जाएंगे इनको, देखिए इसी क्षेत्र से हो जाता था, आपूर्ति हो जाएगी, ठीक है। ये ईरान है, देखिए ये आप देख समझिए कि भारत, आज का पाकिस्तान, उस समय भारत का पार्ट था अफगानिस्तान, ये ईरान, यहीं से आपको सटा हुआ मिल जाएगा इराक, देखिए ये यहीं से आपको छोटा सा इराक वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, लगभग ये तुर्की मिल जाएगा यहीं पे, तो ये सब देखिए यहां से, और ये अरबियन पेनिनसुला है, तो अरब से घोड़े मिल जाएंगे, इराक से अच्छे किस्म के घोड़े मिल जाएंगे, ये तुर्की जो है ये वाला, इससे अच्छे किस्म के घोड़े मिल जाएंगे, तो इसी रास्ते से ये कर लेंगे, यहां से जाएंगे अरब से करेंगे, ये देखिए या तो लैंड से कर सकते हैं, यहां से पानी से भी कर सकते हैं, तो इस तरह से देखिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, गुजरात का इस्तेमाल करते हुए, ये अरब से भी कर लेंगे, इराक और ईरान से भी, घोड़ों की अपनी अच्छे नस्ल के घोड़े आप जानते हैं कि अरब में, इराक में और तुर्की में पाए जाते थे, तो ये घोड़ों की आपूर्ति कर लेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखिए यहां का शासक कौन था गुजरात का उस समय, रायकर्ण बघेल, ध्यान रखिएगा कौन शासक था, जो कि भागा कहां पर, देवगिरी, देखिए देवगिरी यहां पर कहां पे, गुजरात से ये देवगिरी है, इधर भागा देवगिरी की तरफ, ठीक है, महाराष्ट्र में देवगिरी दक्षिण भारत में भागा रायकर्ण बघेल, ठीक है। यहां देखिए सारा जो मैंने लिखा हुआ है ना, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौर, मालवा और सिवाना और जालौर,
तो ये गुजरात को, ये तो गुजरात को ही हो ही गया, और बाकी राजस्थान में ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है, सारे राजस्थान के क्षेत्र हैं, तो ये सब पे विजय हासिल करता है। तो गुजरात में मैंने रीजन बता दिए, शासक हार गया रायकर्ण भगेल, ये भाग जाता है रायकर्ण बघेल, ठीक है, ये भाग जाता है देवगिरी, ध्यान रखिएगा, और कब्जा हो जाता है गुजरात पे, ठीक है। तो रीजन मैंने बता दिया, गुजरात पे कब्जा करना क्यों जरूरी था, गुजरात को कंट्रोल करना, कैप्चर करना, तो ये सब रीजन थे, ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद जब देखिए उस समय होता क्या था कि जब लड़ाई वड़ाई खत्म होती थी तो उसमें जो लूट का माल होता था वो बढ़ते थे सैनिकों में, तो और राज्य में और सैनिकों में, ठीक है। तो उस समय नए मुसलमान होते थे सेना में, नए मुसलमान कौन थे मैंने बताया था, नए मुसलमान देखिए इसका जो चाचा था फाउंडर खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके समय में, उसके शासनकाल में मंगोल से कुछ मंगोली थे, मतलब मंगोल थे, कुछ मंगोली कह रहे हैं, मंगोल थे, वो मंगोल आकर भारत में इस्लाम कबूल करके भारत के में बस गए थे, भारत में दिल्ली में, दिल्ली के मंगोलपुरी में। कौन थे नए मुसलमान, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, मैंने बताया भी हुआ है पिछले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, नए मुसलमानों पे एक छोटा वीडियो भी मैंने किया है। तो नए मुसलमान कौन थे, ये इन्होंने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ये मंगोल थे बेसिकली ओरिजिनली, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और दिल्ली के मंगोलपुरी में बस गए, ठीक है, यही नए मुसलमान कहलाए, और ये लोग दिल्ली सल्तनत की सेवा में आ गए थे, यानी सैनिकों के रूप में इनकी भर्ती भी होती थी, ठीक है। तो ये नए मुसलमान भी सैनिकों के रूप में इस अभियान में थे, और जब लूट के माल को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गया, जब इन्होंने गुजरात पे आक्रमण किया तो वहां से बहुत सारी धन संपत्ति भी लूटी, तो उस माल को लेकर उन्होंने क्या किया, वो वहां पर इनके नए मुसलमानों से डिस्प्यूट हो गया और नए मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह को बहुत बुरी तरह से दबाया गया था, ठीक है। तो यहां पर आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि विद्रोह किसने किया था गुजरात अभियान में, नए मुसलमानों ने, इस विद्रोह को याद आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात अभियान के बाद किसने विद्रोह किया था, नए मुसलमानों ने। इस गुजरात अभियान का कमांडर कौन था सेना का, उलूग खान और नुसरत खान। रीजन क्या थे, शासक कौन था गुजरात का, तो रायकर्ण बघेल, जो भाग गया था देवगिरी, ठीक है। कारण क्या क्या था, तो ये जो इकोनॉमिक कारण थे ये लिख दिया था, फर्टाइल था, उपजाऊ भूमि थी, हस्तशिल्प था, कपड़ा उत्पादन था, पश्चिम एशिया और दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से अच्छा व्यापार होता था, चाइना से अच्छा व्यापार होता था इसी रास्ते से, तो इस वजह से महत्वपूर्ण था, चीन से मैंने बता ही दिया, चाइना से, और घोड़ों की आपूर्ति जो है ये हो जाती थी अरब से, इराक से, तुर्की से, तो इसी रास्ते से ये कर लेते थे। ये अरब है, अरबियन पेनिनसुला है, ये ईरान है, ये इराक है, ये तुर्की है, ठीक है ना, तो ये सब इन सब जगहों से ये कर लेते थे, तो इस वजह से ईरान भी यहाँ पे लिख, अरब, इराक, तुर्की, ईरान भी लिख लीजिए, यहाँ पे ईरान भी आप लिख सकते हैं, एक क्षेत्र ईरान भी हो जाएगा, ईरान ये भी था, यहाँ से घोड़ों की आपूर्ति होती थी, तो ये लिख लीजिएगा, तो ये बड़ी बात थी, आपने जान लिया। उसके बाद दूसरा सारा जो क्षेत्र है राजस्थान का है, नॉर्थ इंडिया में, गुजरात के बाद रणथंभौर, यही गुजरात का क्षेत्र रणथंभौर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या था, ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ रीजन देखिए, यहां पे शासक था हम्मीरदेव, रणथंभौर का, ठीक है। देखिए रणथंभौर को जीतने का कारण ये था कि गुजरात विजय इन्होंने कर ली 1299 में, और 1301 में ये करते हैं रणथंभौर की विजय, ठीक है। तो देखिए गुजरात की विजय को बनाए रखने के लिए राजस्थान के किलों को और राजस्थान के क्षेत्रों को जीतना जरूरी था, अगर ये राजस्थान जीत लेता है तो बड़ा इसके लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाता है, इसलिए इसने, क्योंकि गुजरात इसने 1299 में जीत ली, इसलिए राजस्थान के क्षेत्रों को जीतना जरूरी था, इसलिए पहले इसने 1301 में रणथंभौर पे अटैक किया। इसका शासक यहाँ पे कौन है, हम्मीरदेव था, जो कि हार जाता है, हम्मीरदेव देश लिखा है यहाँ पे, देखिए कई बार चीजें हो जाती है गलत, हम्मीरदेव, ठीक है ना, हम्मीरदेव। और यहां पर देखिए, यहां पर नेतृत्व कौन कर रहा है, यहां पर भी यही उलूग खान और नुसरत खान। हम्मीरदेव क्या करता है, देखिए एक तो राजस्थान को जीतना जरूरी था, और ये जो शासक है हम्मीरदेव, इसने देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, शरण दे देता है किसको, नए मुसलमानों को। देखिए कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ा हुआ है, एक तो
गुजरात के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए, इस जीत को बनाए रखने के लिए राजस्थान को जीतना जरूरी था। दूसरा, जो यहां का शासक है हम्मीर देव, ये जो नए मुसलमानों ने गुजरात अभियान के बाद जो विद्रोह किया, तो यहां के शासक ने इन नए मुसलमानों को शरण दे दिया। देखिए मैंने यहां लिख दिया, शरण दे दिया किसे? नए मुसलमानों को। तो ये भी एक रीजन था, ठीक है, जिसकी वजह से ये अटैक किया गया। तो रीजन दो थे, ध्यान रखिएगा। गुजरात विजय पहले हो चुकी थी, इसको मेंटेन करना था कि विजय बनी रहे, ये जीत बरकरार रहे, तो राजस्थान जीत लिया जाता तो इनका पोजीशन गुजरात का भी स्ट्रांग हो जाता। दूसरा, रणथंभौर के शासक हम्मीर देव ने, ये जब गुजरात में विद्रोह होता है नए मुसलमानों का गुजरात अभियान के बाद, तो ये शरण दे देता है, शेल्टर दे देता है नए मुसलमानों को। तो इस नाराजगी में भी ये अभियान किया गया था। नेतृत्व उलुग खान और नुसरत खान जीत होती है, सब में जीत होगी। उसके बाद चित्तौड़, ये भी राजस्थान का पार्ट है। चित्तौड़ यहां पे कौन हारता है? राणा रतन सिंह यहां का शासक है, जिसको पराजित किया जाता है। यहां पे रेफरेंस आएगा रानी पद्मिनी का। देखिए वैसे तो जो भी अभियान है इसके साम्राज्यवाद की नीति से ही प्रेरित थे, लेकिन इसमें एक कारण यह भी दिया जाता है कई बार कि रानी पद्मिनी जो ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती पे ये आसक्त हो गया था, इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर ये इसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। ये चर्चा कहां पे होती है? ये बुक है पद्मावत, ठीक है, उसकी नायिका यही रानी पद्मिनी है, रानी पद्मिनी है, ठीक है। इस बुक के राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखिएगा। इसी बुक में इसकी चर्चा है कि भाई उसकी खूबसूरती पे, इतनी खूबसूरत थी रानी पद्मिनी कि उसको देख के ही इसने उसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित नहीं, प्रभावित तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है, उसके खूबसूरती पे वो कहा जाता है कि उसके मन में दुर्भावना आ गई थी उसके खूबसूरती को लेकर, ठीक है, तो उस दुर्भावना के तहत इसने आक्रमण किया था, ऐसा कहा जाता है चित्तौड़ पे। चित्तौड़ भी जीता गया, हाँ, लेकिन ये जो रानी पद्मिनी की कहानी जो है पद्मावत में, पद्मावत की नायिका है रानी, कहीं पूछ दे देखिए कि पद्मावत किसका लिखा हुआ भाई, पद्मावत में किस कौन नायिका है, तो रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी कहां की रानी थी? तो चित्तौड़ की, ठीक है, ठीक है। और उनके समय में किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। पद्मावत के रचयिता कौन है, राइटर कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। सब इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो रेफरेंस है कि कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियन इससे जो है इत्तेफाक नहीं रखते कि रानी पद्मिनी की वजह से इसने अटैक किया था, उसकी खूबसूरती को देखकर और उस खूबसूरती के प्रति अपनी दुर्भावना पाल के इसने किया था। लोगों का यह कहना है कि चित्तौड़ अभियान भी, हिस्टोरियंस का, इतिहासकारों का, कि चित्तौड़ अभियान भी इसका जो साम्राज्यवाद की जो नीति थी उसी का एक हिस्सा था, ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मालवा का अभियान चलता है 1305 में, ये 1303 में है, देखिए 1303 में चित्तौड़, 1305 में मालवा का, इस समय सेना का नेतृत्व कर रहा है ऐनुल मुल्क, ध्यान रखिएगा। यहां पे शासक महलक देव को हराया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सिवाना राजस्थान में ही है, यहां पे शीतल देव को हरा दिया जाता है, 1308 का अभियान है। उसी तरह से जालौर, 1311 में जालौर जीत लिया जाता है, ठीक है, ये सब राजस्थान का पार्ट है। मालवा का कुछ क्षेत्र आज मध्य प्रदेश में भी आता है, उस समय राजस्थान, तो सब ये जो है जालौर 1311 ईडी में सारा जीत लिया जाता है। तो गुजरात का अभियान 1299, रणथंभौर का 1301, चित्तौड़ का 1303, मालवा का 1305, सिवाना का 1308 और जालौर का 1311 ईडी में ये अभियान चलाया जाता है। इन सारे क्षेत्रों पर विजय होती है इसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और नेक्स्ट में, ये तो उत्तर भारत के अभियान थे, अगले वीडियो में हम इसके दक्षिण भारत के अभियानों को देखेंगे। और मैंने बताया कि दक्षिण भारत की तरफ रुख करने वाला या दक्षिण भारत की तरफ अभियान चलाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, या कई बार पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा शासक था जो विंध्य को क्रॉस करके दक्षिण भारत की तरफ जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब सारी बातें जो हमने बता दिया कि जो सवाल बनेंगे आपके कि नए मुसलमानों का विद्रोह कब होता है, तो गुजरात किस अभियान के दौरान हुआ था, तो गुजरात अभियान के बाद हुआ था, ठीक है। रायकंड बघेल कहां के शासक थे, तो गुजरात के थे। जब ये पूछा जाएगा सवाल, जब गुजरात का अभियान चलाया गया था अलाउद्दीन के द्वारा,
तो उस समय शासक कौन था, तो रायकर्ण बघेल। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए लिखने के लिए कि गुजरात की जय के क्या कारण थे, तो ये सब कारण आप देंगे कि आर्थिक दृष्टि से गुजरात बहुत महत्वपूर्ण था। उसी तरह से राजस्थान को देखा जाए, राजस्थान के क्षेत्र को, तो गुजरात की विजय को अक्षुण बनाए रखने के लिए, उस जीत को बरकरार रखने के लिए इस राजस्थान को जीतना जरूरी था। तो राजस्थान के सारे क्षेत्रों को जीता गया, रणथंभौर को जीता गया। शासक कौन था, हम्मीर देव। नेतृत्व किसने किया, वही जो गुजरात में जिन्होंने किया, उलुग खान, नुसरत खान। ठीक है, और कारण क्या था, ये शासक जो हम्मीर देव है, ये गुजरात में जो नए मुसलमानों ने विद्रोह किया था, इनको शरण दे दिया था। देखिए यहां पर लिख दिया है मैंने, शरण दे दिया था। तो ये कई सवाल पूछा जाएगा कि नए मुसलमानों को शरण देने वाला शासक कहां का था और कौन था, तो हम्मीर देव था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी किस राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रानी पद्मिनी की कहानी चित्तौड़ से संबंधित है। और ये किस बुक की नायिका है, ठीक है, तो पद्मावत की। पद्मावत किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जैसी। सारा सवाल यहां पर देखिए मैंने बना दिया, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, मालवा का अभियान, मालवा के अभियान के दौरान सेना का नेतृत्व एनुल मुल्क ने किया। शासक कौन थे, महलक देव। ठीक है, सिवाना 1308 में शीतल देव को पराजित किया है, शासक थे, और जालौर 1311। तो इस तरह से हमने अभियानों को भी देख लिया, आप एक बार अच्छे से इसको देख जाइएगा तो आपको उत्तर भारत का अभियान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत के अभियान को। ठीक है, आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। So, this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.